सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर लास्ट ट्रेडिंग डे को 3 रुपए 35 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 112 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना था 159 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक ने एक टॉप बनाकर एक करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहेगा और स्टॉक काफी टाइम से देखें तो एक रेंज बोर्ड में ट्रेड कर रहेगा। नीचे में स्टॉक के अंदर अब एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है 92 रुपीज का। 92 रुपीज का जो ग्रीन कलर के निकलाइन देख रहे हैं ये स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने 92 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करके स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे में 92 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें लॉन्ग टर्म के लिए और 155 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 107 रुपीज का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 130 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।